जे हो जे कोई गुनाह तो गल्ला ले सुना राज तू छड़ी ना मैं जाऊंगी किधर तेरा मेरा सफर रिहाए जो गुजर मजा तारे तो लगी जावे डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कोरबा की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि कोरबा रायगढ़ इंटरसिटी समेत विभिन्न ट्रेन चलाने की मांग करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोरबा ने ज्ञापन सौंपा है। अभी हाल ही में रेल मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे पत्र में प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि कोरबा जिला इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां भारत के अलग अलग क्षेत्र से आकर यहां लोग विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं एवं व्यवसाय के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए ट्रेनों की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव ने कहा कि कोरबा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कोयले की खान है। पूरे भारतवर्ष में 75 से 80% तक कोयले की आपूर्ति की जाती है कोरबा से। इसके साथ ही एल्युमिनियम व बिजली की सर्वाधिक उत्पादन यहां होता है। कोरबा क्षेत्र के लोगों को यात्री ट्रेनों से वंचित रहना पड़ता है। बताया गया कि कोरबा की आम जनता को आज तक कांग्रेस और भाजपा दोनों ने छल दिया है, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने भी मांग को नहीं माना और भाजपा की जब सरकार आई इन्होंने भी मांग को नहीं माना। एक वरिष्ठ के द्वारा बताया गया कि कोरबा में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्य के लोग रहते हैं। फिर कोरबा में सिर्फ साउथ के लिए 3 गाड़ियां चलती हैं। दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन चला करती है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए एक भी ट्रेन नहीं चलती है। बताया गया कि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने के बाद भी ट्रेन के लिए जनता को भटकना पड़ता है। बताया गया कि केंद्र सरकार से मांग है कि कोरबा से हर राज्य के लिए ट्रेन चलाई जाए। जिला सचिव के द्वारा बताया गया कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आम जनता को यात्री ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलती, तो आगे चलकर एक जन आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। इस मांग पत्र में जो मांग की गई, जो प्रमुख मांग थी, उनमें से है कोरबा से हावड़ा के बीच में एक साप्ताहिक ट्रेन को शुरू किया जाए, कोरबा से पटना के बीच में एक साप्ताहिक ट्रेन को शुरू किया जाए, इनके अलावा कोरबा से रायगढ़ के बीच में इंटरसिटी ट्रेन, कोरबा से रीवा के बीच में भी ट्रेन को शुरू किया जाए जो कि एक्सप्रेस ट्रेन बन के चले, इनके अलावा कोरबा से अंबिकापुर तक रेल मार्ग बनाया जाए और उसके बाद कोरबा से अंबिकापुर तक ट्रेन को चलाया जाए। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा कोरबा के लोगों के द्वारा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, ऐसा ज्ञापन में लिखा गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताते चलें, कोरबा जो आता है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत ट्रेनों की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अभी हाल ही में शहडोल नागपुर जो नई ट्रेन है, इस ट्रेन का उद्घाटन तिथि तय हुई थी एक बार, उसके बाद किसी कारणवश से इसकी उद्घाटन तिथि कैंसिल हो गई। उसके बाद दूसरी उद्घाटन तिथि इस ट्रेन की तय हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम तय हुआ शहडोल में, और उसी कार्यक्रम में शहडोल नागपुर नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम भी तय हुआ। लेकिन अभी हाल ही में खबर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शहडोल का जो दौरा है वो रद्द होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आ पाया है कि क्या होने वाला है, क्योंकि शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन का जो रैक है ये भी आ चुका है। इंस्टाग्राम पे हमने फोटो अपलोड की है शहडोल नागपुर नई ट्रेन की, आप देख सकते हैं वहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, अब सिर्फ ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की बारी है। इनके अलावा एक मांग कोरबा की बहुत ही वर्षों से की जा रही थी, वो है कोरबा से बीकानेर के बीच में एक नई ट्रेन को चलाने के लिए। इस ट्रेन की सहमति के लिए DRM सहित सभी आला अधिकारियों के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन किसी कारणवश आज तक इस ट्रेन को नहीं चलाया गया। इस ट्रेन का चलना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ट्रेन छत्तीसगढ़ को राजस्थान से जोड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है अगर यात्री ट्रेन चलती हैं तो रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि जब यात्री डिमांड करते हैं कि किसी स्थान के लिए ट्रेन को शुरू किया जाए, वो डिमांड तब की जाती है जब वो डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं। इस वजह से इस डिमांड को ऊपर जोन में बताया जाता है क्षेत्र के रेल सलाहकार के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी किसी भी प्रकार का एक्शन न लेना ये तो समझ के परे है। तो फिलहाल देखिए अब क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगले वीडियो में। बाय।